गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, गुड मॉर्निंग अगेन बेटा। आप कैसे हैं? सुरक्षित होंगे घर पर? और घर पर बैठ के एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो हमारा यूनिट वन स्टार्ट था, इसके हमने 18 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपकी क्लास है फिर, सब्जेक्ट आपका है मैथ, टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1। आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 18। सो 19, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। 18 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 19 है, राइट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपकी पहले है क्वेश्चन, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में ही लिख के दिखाना है। तो ए पार्ट है हमारा 1/3, 1/8, 1/4, 1/7। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, जो नीचे की डिजिट है उसका हम एल लेंगे, एलसीएम 1, 3, 8, 4, 7। 2 से करेंगे 3 का 3, 2, 4 जा 8, 2, 2 जा 4, 7 का 7। 2 से करेंगे 3 का 3, 2, 2 जा 4, 2, 1 जा 2, 7 का 7। तो ये सारे अलग अलग हैं, तो हम यहाँ कर देंगे 2 × 2 × 3 × 2 × 7। करिए इसको 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24 × 7 = 168। तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 168। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, एलसीएम तक करिए इसको, बिल्कुल ठीक है जी हमारा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 168 लेंगे, पहले हम इसे डिवाइड करेंगे, जो आ जाएगा मल्टीप्लाई, 3 से 168 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, हम इसको करके दिखाते हैं। यहाँ पर रफ वर्क है आपका, 168 को 3 से, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 56 आ गई है हमारा रफ वर्क है, आपको बताते हैं साथ साथ रफ वर्क। 56 को 3 से 1 से करें मल्टीप्लाई, कितना आ गया 56 बन जा 56। अब करेंगे 168 को, 168 को 3 से, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, सॉरी 8 से करना है, 8 × 2 = 16, 8 × 1 = 8, 21 आ गया, 21 × 1 = 21। बिल्कुल ठीक है जी हमारा आंसर। फिर है हमारा 168 को 4 से, 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 8, 42 को 1 से मल्टीप्लाई किया था कितना आ गया 42। नेक्स्ट है हमारा 168 को 7 से, 24 आ गया, 24 बन जाए। ओके स्टूडेंट, तो ये तो हमारा हो गया वर्क। अब हम यहाँ करेंगे इसको, ये हमारा रफ वर्क था हमने कर दिया। अब इस क्वेश्चन को हम इधर ले जाते हैं, अब हम लिखेंगे इसको पहले असेंडिंग, फिर लिखेंगे इसको डिसेंडिंग। असेंडिंग में सबसे पहले होता है सबसे छोटा डिजिट क्या है, 21। 21 किससे आया, 1/8 से। 21 के बाद क्या आएगा, 24, 1/7 से। 56 आया 1/3 से, एंड 21 हो गया, 24 हो गया, 42 आएगा 1/4, देन आपका आएगा 56 1/3। तो ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर, 1/8, 1/7, 1/4, 1/3। अब इसका डिसेंडिंग उल्टा हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1/3, 1/4, 1/7, 1/8। तो ये है हमारा आंसर।
ये है हमारे आंसर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। सब बच्चे ध्यान से उतार लीजिए, ये फर्क इससे करके दिखाया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। सब बच्चे ध्यान से लिखिए, राइट केयरफुली फ्रॉम द बैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से उतारें, अब है आपका बी पार्ट। थ्री बाय फोर, फाइव बाय सिक्स, सेवन बाय एट, नाइन बाय टेन। तो हम पहले एलसीएम लेंगे इसका, फोर सिक्स एट टेन, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, टू वन जा टू, थ्री नहीं जाता, टू टू जा फोर, फाइव नहीं जाता, टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू टू इंटू फाइव कितना हो गया, करिए इसको मल्टीप्लाई, 120 आ गया, 120 करिए इसको। पहले हम डिवाइड करते हैं देन मल्टीप्लाई करते हैं। रबर देखिए 120 को पहले 4 से करिए, 4 5 जो 20 सॉरी 4 3 जो 12 जीरो की जीरो, 30 को मल्टीप्लाई करें 3 3 90 कितना आ गया 90। फिर हमारा 120 को 6 से करिए, 6 टू जो 12 जीरो, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 100। फिर हमारा है 120 को 8 से करिए, 8 वन जा 8, 8 फाइव जो 40, 15 को 7 से 15 से 105, 57 से 105। फिर हमारा है 120 को 10 से तो कितना आ जाएगा 12, 10 वन जो 10, 10 टू जो 20, 12 को 9 से 12, 108, 108। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे इसका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। स्पेस होना चाहिए हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर, then descending order। सबसे पहले हमारा छोटा क्या है, डिजिट
स्मॉलर डिजिट क्या है, 90, 100, 105 बिल्कुल इक्वल्स में जा रहा है हमारा, पहले सबसे छोटा है 90, तो 3/4 आएगा, फिर 100 आता है 5/6 आएगा, देन हमारा 105 आता है 7/8 आएगा, एंड 9/10 108 आएगा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे अपोजिट कर देंगे, 9/10 पहले, 7/8, 5/6, 3/4, तो ये है हमारा आंसर। तो ये है हमारा बी पार्ट, सब बच्चे ध्यान से लिख लीजिए, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 अपोजिट कर दिया, बिल्कुल ठीक है। तो ये है हमारा बी पार्ट, दिस इज आवर बी पार्ट, बच्चे ध्यान से लिखिए, ए एंड बी पार्ट। सब बच्चों ने लिख लिया बेटा, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। अब है आपका सी पार्ट, देखिए देखिए इसको ध्यान से, टू बाय फाइव, 3/20, 7/10, 9/20। तो अब हम पहले एलसीएम लेंगे, 5, 20, 10 और 20, से करेंगे 5, 2 1 2 0, 2 5 10, 2 1 2 0, 2 से करेंगे 5, 2 5 10, 5, 2 5 10, फिर हम करेंगे 5 6 1 1 1 1, 2 2 4, 4 5 20, कितना आ गया एलसीएम 20, करिए इसको 20, पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई, करिए इसको 20 को 5 5 4 20, 4 2 8, 20 20 सेम है, करने के लिए 1 3 3 10, फिर हम करेंगे 20 को 20 से किया था 1 पे आ गया था, 1 3 3 आ गया, 20 को 10 से किया, 10 2 20, 2 7 14, सेम आ जाएगा, 20 से 20 किया 1 आ गया, सेम डिजिट आ जाएगी 1 9 9,
असेंडिंग में सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, सबसे छोटा क्या है, थ्री, क्या है आपका, थ्री, थ्री बाय ट्वेंटी से आया। देन आपका है एट, टू बाय फाइव से, फिर है नाइन, नाइन बाय ट्वेंटी से, एंड फोर्टीन, सेवन बाय टेन से। तो असेंडिंग में इसका पॉजिटिव हो जाएगा सेवन बाय टेन, नाइन बाय ट्वेंटी, टू बाय फाइव एंड थ्री बाय ट्वेंटी। तो ये है आपका आंसर। सब बच्चे ध्यान से उतारे, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। आंसर है थ्री बाय ट्वेंटी, टू बाय फाइव, नाइन बाय ट्वेंटी, सेवन बाय टेन। बिल्कुल ठीक है जी हमारा आंसर। सब बच्चे ध्यान से लिखें, राइट केयरफुली बेटा। ये है आपका ए बी एंड सी पार्ट। सब बच्चे ध्यान से लिखें। आपके पास जल्दी उतारिए क्वेश्चन नंबर थ्री। सब बच्चे ध्यान से लिखें। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आपका एट द फॉलोइंग, फोर, थ्री, टू टू ज़ा फोर,
6 plus 16 plus 18 plus 21. कितना आ गया 61 by 24. This is our answer. अब हमारे पास ये C part है. 2 1 by 2 plus 3 1 by 2 plus 4 1 by 4. फिर इसको fraction में 2 to the 4 और 1 5 by 2 plus 2 3 the 6 और 1 7 by 2 plus 4 4 the 16 और 1 17 by 4. देखो ठीक है, फिर हम ऐसे बनेंगे इसका. ये हमारा B part यहाँ पे finish था. 2 2 4 का LCM कितना आएगा, 4 ही आएगा. 2 1 the 2 2 1 the 2 2 the 4 2 2 the 4. देखो ठीक है, हमारा LCM आ गया 4. डिवाइड करेंगे देन मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे देन मल्टीप्लाई. कितना आ गया आपका 10 14 प्लस 17 इज इक्वल टू 14 1 बाय 4. दिस इज आवर आंसर. ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का ए बी एंड सी पार्ट. आपको पहले भी वीडियो में बताया था, अब आपकी रिवीजन है, आप इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे घर पर. ओके स्टूडेंट, सब बच्चे ध्यान से करेंगे इसको. डू प्रैक्टिस एट होम. ओके स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस एट होम, घर पर रहे, सुरक्षित रहे बेटा. स्टे होम, स्टे सेफ बेटा. टेक केयर. 2 मिनट से आपके पास, जल्दी से कर लीजिए. तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1. राइट केयरफुली फ्रॉम द बैकवर्ड ए बी एंड सी पार्ट. एक बार फिर से क्लियर करवा देती हूँ. वन क्वेश्चन, आपके डिजिट थे 3/8, 3/10, 7/12, 5/16. पहले आपने इसका क्या लेना है, एलसीएम. आपका एलसीएम आगे 240, हमने 240 लिखा. जो नीचे वाली डिजिट होती है इसे इसको डिवाइड करते हैं. 8 3 24, 30 आ गया. 33 का मल्टीप्लाई किया 90. 10 को 240 से किया डिवाइड, 24 आ गया. 24 3 72. 12 12 12 24 20 27 140 16 16 16 16.
16 से 9 लेके 9 है 21 2 3 4 80 हो गया 16 5 है 80 15 आ गया 15 5 है 75 तो हमने इसको 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 क्या किया प्लस प्लस 240 का 240 तो ये है आपका आंसर। आप इसको डिवाइड करके दिखाना चाहते हो तो वो भी ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ तक करते तो इसका आंसर ये ठीक है। इसी प्रकार ए बी एंड सी पार्ट आपने करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बेटर, टेक केयर।